भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति है। देश भर में चाइनीज सामानों के बहिष्कार की मुहिम छिड़ गई है। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का एक बार फिर दोहरा चरित्र सामने आया है। एक तरफ शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत पीएम मोदी से चीन को सबक सिखाने की अपील कर रहे हैं, चीन की कायराना हरकत को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बीते दिनों संजय राउत ने कहा था कि अब समय आ गया है कि चीन से बदला लिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव सरकार चीन से व्यापार में सांठगांठ बढ़ा रही है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने चीन की GWM कंपनी के साथ $1 अरब यानी 7,600 करोड़ रुपए से अधिक का करार किया है। राज्य सरकार ने एक दूसरी चीनी कंपनी हेंगली इंजीनियरिंग के साथ भी 250 करोड़ रुपए के निवेश का करार किया है। चीन की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स और महाराष्ट्र सरकार के बीच करार के तहत कंपनी पुणे के तलेगांव में 3,770 करोड़ निवेश करेगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से 7,600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बता दें कि GWM SUV वाहन बनाती है, जो भारत में भी काफी लोकप्रिय है। इस कंपनी ने जनवरी में अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स के साथ तलेगांव स्थित प्लांट के अधिग्रहण के लिए करार किया था। महाराष्ट्र उद्योग विभाग की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2 में अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर आदि 12 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। महाराष्ट्र सरकार के चीन के साथ ऐसे करार पर अब सियासत गर्मा गई है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए शिवसेना बड़ी बड़ी बातें करती है। सवाल है कि जब चीन को बैकआउट करने की बात हो रही है, ऐसे में अभी ही चीन के साथ करार क्यों किया गया? भारत और चीन के बीच हालात तनावपूर्ण हैं। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि इस बार चीन से आर पार की लड़ाई है। सेना को खुली छूट दे दी गई है। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन ने जो कायराना हरकत की, भारत उसका माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच भारत में अब ऐसे संवेदनशील मामले पर भी राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस को अब एक बहाना मिल गया है बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधने का। सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चीन के ब्रांड एम्बेसडर बनकर प्रकट हुए। अधूरे ज्ञान लेकर राहुल गांधी ने इसके लिए मोदी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। राहुल बोलने लगे कि आखिर भारतीय सेना को बिना हथियार कैसे भेजा गया है, लेकिन देर सवेर राहुल को विदेश मंत्री ने इसका जवाब दे दिया है। अब राहुल के बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला सामने आए हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प होती दिख रही है और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधा। हालांकि ये वीडियो पूरी तरह से फेक है। कांग्रेस ऐसे फेक वीडियो से भारतीय सैनिकों पर भी सवाल उठा रही है और देश को गुमराह करने में लगी है। हालांकि कांग्रेस की ये पुरानी आदत है, पाकिस्तान के साथ हुए सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी राहुल गांधी मोदी पर ही निशाना साध रहे थे और इस बार कांग्रेस फेक वीडियो शेयर करने में लगी है। महाराष्ट्र में तीन पहिए की सरकार है, लिहाजा कभी कभी पहिए के नट बोल्ट खुलते रहते हैं, इसलिए समय समय पर इसे टाइट करना पड़ता है। शिवसेना कांग्रेस NCP गठबंधन सरकार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तीनों पार्टियों में आपसी मतभेद कभी खत्म नहीं हो रहा है। सरकार बने 6 महीने हुए हैं, लेकिन अभी तक दर्जनों बार तीनों पार्टी आमने सामने हैं। बीते कुछ दिनों में गठबंधन में शामिल कांग्रेस सरकार से नाराज हो गई थी। आरोप लगाया था कि सरकार में उसकी अनदेखी हो रही है, इसीलिए कांग्रेस की तरफ से खूब बयानबाजी हो रही थी। शुरुआत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने की, उसके बाद क्या पूरा कांग्रेस खेमा शिवसेना पर हमला शुरू कर दिया। शिवसेना भी घबरा गई, उसे लगने लगा कि कहीं कांग्रेस हाथ खींच ली तो सरकार और सीएम की कुर्सी गई, और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे को कांग्रेस के सामने झुकना पड़ा। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच बीते महीने भर से चल रहे गतिरोध खत्म करने की कोशिश की जा रही है और दोनों पार्टियों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता बालासाहेब थोराट और अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने उनके बंगले मातोश्री पर पहुंचे। बैठक में शिवसेना की ओर से सांसद संजय राउत और अनिल देसाई भी मौजूद थे। तीनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। बैठक में किसने क्या कहा और बैठक का क्या निष्कर्ष निकला, ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बैठक के दौरान दोनों पार्टी के नेताओं ने नरम रुख अपनाया। बीते कई दिनों से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच ये बैठक टलती आ रही थी। हालांकि कांग्रेस और शिवसेना के बीच जिस तरह की कटुता नजर आ रही थी, उसके मद्देनजर ये बैठक काफी अहमियत रखती है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि बैठक के बाद भी शिवसेना और कांग्रेस में तीखी बयानबाजी जारी रहेगी या गठबंधन सरकार कुछ दिन शांति से चलेगी।
भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है। चीन को सबक सिखाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि भारत चीन के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। उससे पहले पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में करीब 17 राजनीतिक पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। वहीं सर्वदलीय बैठक के लिए नेता नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी, आरजेडी और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की है। ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाए जाने से ओवैसी तिलमिला गए हैं और उन्होंने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। ओवैसी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि सर्वदलीय बैठक के लिए मेरी पार्टी को नहीं बुलाया जाना निराशाजनक है। ओवैसी के अलावा राजद नेता मनोज झा और मीसा भारती ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। झा ने कहा, गलवान घाटी हिंसा पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हमें आमंत्रित नहीं किया गया है, इससे हम निराश हैं। आपको बता दें कि इस बैठक के लिए केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों या लोकसभा में जिनकी संख्या 5 सदस्यों से ज्यादा है उन्हें न्योता भेजा गया है। लेकिन ओवैसी और दूसरे राजनीतिक दल सर्वदलीय बैठक को लेकर भी राजनीति करने मैदान में कूद गए, जबकि इस वक्त सभी दलों को सरकार के फैसलों के साथ खड़े रहने की जरूरत है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक कांग्रेस के दिग्गज नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ होते जा रहे हैं। एमपी में सिंधिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाकर साथ छोड़ा। गुजरात में 8 से अधिक विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। वहीं यूपी में भी कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा दी, लिहाजा पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं अब कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा को भी पार्टी लाइन से हटकर बोलना महंगा पड़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू पर संजय झा की टिप्पणी खल गई। इसके बाद झा को प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। दरअसल बीते दिनों पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर झा ने पार्टी नेतृत्व पर वार किया। संजय झा ने एक लेख में पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। झा ने एक ट्वीट कर कहा, एक बार पंडित नेहरू ने एक न्यूज़पेपर में अपने ही खिलाफ एक आलोचना लिखी थी और सरकार को तानाशाह की ओर बढ़ने को लेकर चेताया था। उन्होंने कहा कि यही असली कांग्रेस है, लोकतांत्रिक, उदारवादी, सहिष्णु, सबको साथ लेकर चलने वाली। हम उन वैल्यू को पीछे छोड़ चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। इसके बाद झा जी को गेट आउट कर दिया गया है। इस बीच पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक अभिषेक दत्त और साधना भारती को कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किया गया है। हालांकि ये तो होना ही था, कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के माई बाप के खिलाफ बोलना भला सोनिया गांधी कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच हुई भिड़ंत को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भारतीय सैनिकों को खाली हाथ चीनी सैनिकों के सामने क्यों भेजा गया है। राहुल अधूरा ज्ञान लेकर देश में भ्रम फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई राहुल गांधी को ही पता नहीं है। हालांकि राहुल को अब इसका जवाब केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है। राहुल गांधी के सवाल पर विदेश मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल के सैनिकों को निहत्ते भेजे जाने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सैनिक पोस्ट छोड़ते ही हथियारों से लैस हो जाते हैं। गलवान घाटी में एक भी भारतीय सैनिक निहत्था नहीं था। हर सैनिक के पास हथियार थे, लेकिन समझौतों के मुताबिक वहां हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना था और ना ही किया गया। राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा कि हमें तथ्यों को ठीक से समझ लेना चाहिए। बॉर्डर ड्यूटी पर लगे सभी सैनिक हमेशा हथियार के साथ होते हैं, खासकर पोस्ट से निकलते वक्त। 15 जून को गलवान में ड्यूटी पर तैनात सैनिकों के पास भी हथियार थे। जयशंकर ने चीनी सैनिकों के साथ खूनी झड़प के वक्त हथियारों का उपयोग नहीं किए जाने को लेकर स्थिति साफ की। उन्होंने लिखा कि गतिरोध के वक्त हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने की लंबी परंपरा 1996 और 2005 समझौतों के तहत रही है। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल किया है कि चीन ने हमारे निहत्थे सैनिकों की हत्या की हिम्मत कैसे की। उन्होंने आगे लिखा, हमारे सैनिकों को शहादत के लिए निहत्था क्यों भेजा गया। ध्यान रहे कि इन दोनों सवालों में राहुल ने निहत्थे शब्द पर खासा जोर दिया है, जिसका सही जवाब उनको विदेश मंत्री ने दे दिया है। वहीं राहुल को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी करारा जवाब दिया है। राहुल बार बार चीन के साथ तनातनी पर मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार दुखी करने वाला है।
पात्रा ने कहा कि पीएम पर हमला देश पर हमला है। नरेंद्र मोदी केवल बीजेपी के नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल के बचकाना वाले बयान पर संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को चीन की संधियों की जानकारी नहीं है। पात्रा ने कहा कि दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था कि एलएसी की 2 किलोमीटर रेंज में गन बम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि सवाल यह है कि आखिर राहुल ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं? क्या वो सब कुछ जानते हुए अनजान बनकर देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं ताकि वो कैसे भी मोदी पर हमला बोल सके? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।